नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स के खास सेगमेंट स्वास्थ्य चर्चा में। दोस्तों, नेशनल इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस मंथ चल रहा है, ऐसे में हमें वैक्सीन की इम्पोर्टेंस और उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एज ग्रुप के लिए टॉप वैक्सीन क्या है। तो इस खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर पृथु ढेकते, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज मणिपाल हॉस्पिटल। डॉक्टर पृथु, आपका बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स पर। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। डॉक्टर, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीन है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और हर एज ग्रुप के इंसान को इसे लगवाना इतना जरूरी क्यों है? राइट, सो वैक्सीन के बारे में स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों में बहुत सारी दिलचस्पी और बहुत सारा उत्साह डेवलप हुआ है, क्योंकि सबको ये पता है कोविड में ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है सब एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से। सो वैक्सीन जैसे सबको पता है बचपन में वैक्सीन ऑलमोस्ट सभी लोग लेते हैं और रिलीजियसली सबको दी जाती है, तो वैसे ही वैक्सीन एडल्टहुड में भी ऐसी चीज है, आप उसको एक दवाई की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कोई भी मेजर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। सो जैसे इंग्लिश में पॉपुलर प्रोवर्ब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वैक्सीन आर डेफिनेटली एक चीज है जो हम प्रिवेंशन कोई भी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैक्सीन यूजुअली एक या दो डोज की वैक्सीन रहती है और ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल रहती है। सो कभी भी ये मोर प्रेफरेबल रहती है एज कम्पेयर टू दवाई ये कोई भी इन्फेक्शन होने से बचने के लिए। सो इसलिए अभी वैक्सीन का ज्यादा इम्पोर्टेंस और ज्यादा महत्व सभी जगह पर है और ज्यादा वैक्सीन धीरे धीरे प्रोडक्शन में आ रही है जो डेफिनेटली आगे जाके हम सबकी हेल्थ जो रहती है उसको प्रिवेंट इम्प्रूव करने में डेफिनेटली मदद करेंगे। डॉक्टर, आपने यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए जो इम्पोर्टेंस है वैक्सीन की वो बताई, सो इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बेबीज और एडल्ट्स के लिए टॉप 5 वैक्सीन की हम बात करें तो वो कौन कौन सी होंगी? टॉप 5 ऐसे बताने थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आई से इम्पोर्टेंट 5, तो इम्पोर्टेंट 5 सबसे इम्पोर्टेंट एडल्ट्स के लिए मैं पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि एडल्ट्स में वैक्सीनेशन ज्यादा अनअवेयर है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहते हैं जो हमारे सांस के थ्रू इन्फेक्शन लंग्स को अफेक्ट करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन जो है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन डेफिनेटली एडल्ट्स में रिकमेंडेड है और उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। उसके साथ साथ टाइफाइड वैक्सीन भी आती है, टाइफाइड हमारे कंट्री में काफी कॉमन है और उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों की होती है, तो उसका उसके लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में जैसे आपने देखा रहेगा कि शिंगल्स यानी हर्पीस जोस्टर वैक्सीन जो है वो भी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो सीवियर हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में मदद करती है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली कोविड वैक्सीन अभी इजीली अवेलेबल नहीं है, पर उसको डेफिनेटली मैं टॉप 5 में करना कंसिडर करूंगा क्योंकि डेफिनेटली वो एक लाइफ सेविंग वैक्सीन है। और ये 3 छोड़ के अगर कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन है जो मैं सजेस्ट करूंगा तो वो है टीडी वैक्सीन यानी टिटैनस वैक्सीन, टीडी हम उसे बोलते हैं, टिटैनस डिफ्थेरिया वैक्सीन। सो ये 5 वैक्सीन मोस्टली सारे एडल्ट्स को एप्लीकेबल रहती है और उससे सबसे ज्यादा फायदा रहता है इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पर है वो प्रिवेंट करने के लिए। डॉक्टर, अभी आपने जो एडल्ट्स के लिए टॉप वैक्सीन है वो बताई, एक बार हमें जो बच्चे हैं उनके लिए भी टॉप वैक्सीन हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। सो बच्चे अगर हम बात करें तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो ज्यादा करके बिलो एज ऑफ 14 या बिलो एज ऑफ 12 हम कंसिडर करते हैं, तो उनमें बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही यूनिवर्सल गाइडलाइंस है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के शेड्यूल में और उनको एज के हिसाब से वैक्सीन उनकी रहती है जो उन्हें देनी चाहिए। टॉप 5 उनके लिए बताना और भी मुश्किल है क्योंकि उनके लिए कम से कम 10-12 अलग अलग वैक्सीन रहती है
जो एसेंशियल है। फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें अगर बोलनी रहे तो MMR वैक्सीन जरूरी है, उसके साथ साथ निमोनिया वैक्सीन रहता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जरूरी होता है, उसके साथ टाइफाइड वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन जो बहुत ही छोटे बच्चों में दिया जाता है। डेफिनेटली ये वैक्सीन ऐसे नहीं कि ये पांच ही देने हैं, डेफिनेटली सारी वैक्सीन लेनी चाहिए, पर ज्यादा कॉमन या ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर पिकअप करनी हो तो मैं ये पांच डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। जी डॉक्टर, मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ये नोट डाउन करके रख लेना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन जरूरी है। सो बच्चों में जो चिकन पॉक्स की समस्या है डॉक्टर, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। सो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो किस एज में लग जानी चाहिए, उसके बाद देरी नहीं की जानी चाहिए। Yes. So, चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो रहती है, दो डोज वैक्सीन रहती है, उन दो डोज के बीच में कम से कम 6 से 8 हफ्तों का गैप जरूरी है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन 5 साल के पहले के एज ग्रुप में कम लग जानी ही चाहिए, उसके बाद डिले नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर उसके बाद अगर किसी ने मिस की है वैक्सीन तो ये वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर ही लेनी है। तो अगर मिस की गई है तो ये डेफिनेटली किसी भी एज ग्रुप में नहीं जा सकती। डॉक्टर, ये कहा जाता है कि अगर एक बार चिकन पॉक्स की वैक्सीन लग गई है तो लाइफ में कभी आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। सो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या ये सही है? तो ऐसा पूरी तरह से सही नहीं बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि जो लाइव वैक्सीन ये ज्यादा करके अगर आपको बीमारी हुई है चिकन पॉक्स की तो उसके बाद लाइफ में बीमारी चिकन पॉक्स की होना मुश्किल है या वेरी रेयर है। फिर भी मैं जीरो नहीं कहूंगा, क्योंकि आगे जाके जिंदगी में अगर कुछ दूसरी किस्म की बीमारियां होती है या कुछ अलग किस्म की मेडिसिन शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से चिकन पॉक्स की बीमारी वापस कभी कभार हो सकती है और उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। सिमिलरली वैक्सीन चिकन पॉक्स एक लाइव वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन कौन सा भी अगर हम लाइव वैक्सीन लेते हैं तो उसकी इम्यूनिटी है, उसका प्रोटेक्शन जो रहता है वो का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और उसकी वजह से उस वैक्सीन के से जो बीमारी प्रिवेंट होती है वो बीमारी बाद में जाके होना बहुत कम उसके चांसेस रहते हैं। पर जीरो डेफिनेटली नहीं, पर कम डेफिनेटली यस। जी डॉक्टर, डॉक्टर चिकन पॉक्स के अलावा एक न्यूमोकॉकल जो वैक्सीन है उसको लेकर आजकल जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप चाहे तो रेडियो में भी सुन सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट, अक्सर ये मैगजीन्स पे भी इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। सो न्यूमोकॉकल जो वैक्सीन है वो क्या है और इसे लगवाने की सही एज क्या है, ताकि जो हमारी न्यू मॉम्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो सके। राइट, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन बेसिकली निमोनिया जो रहता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, निमोनिया अलग अलग किस्म के इन्फेक्शन से होता है, तो उसमें एक बैक्टीरियल निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया से होता है और ये बहुत कॉमन होता है, पूरी दुनिया में ये बहुत कॉमन है। तो ये वैक्सीन इस टाइप ऑफ निमोनिया को प्रिवेंट करती है और इस वैक्सीन अभी फिलहाल कुछ कई सालों से बच्चों में भी ये वैक्सीन हम रेगुलरली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लगाते हैं। तो बच्चों का जो शेड्यूल रहता है उसमें एक निमोकोकल वैक्सीन का एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस टाइम पे आप ये वैक्सीन जरूर लीजिए। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं पर इनफैक्ट एडल्ट्स में भी, बड़ों में भी ये वैक्सीन रिकमेंडेड है, स्पेशली जिनकी उम्र 60 के ऊपर है या फिर उम्र 60 से कम है पर फिर भी उनको कुछ अलग बीमारियां हैं, जैसे बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कुछ लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी या और कोई मेजर बीमारियां हैं, तो उन लोगों को निमोनिया की वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लेनी चाहिए। न्यूमोकोकल वैक्सीन यूजुअली दो टाइप की न्यूमोकोकल वैक्सीन रहती है, उन दोनों वैक्सीन में 1 साल का यूजुअली हम गैप देते हैं और उसके बाद हर 5 साल में एक बार ऐसे दो डोसेस हम रेकमेंड करते हैं। तो तकरीबन 4 डोज न्यूमोकोकल वैक्सीन के एज ग्रुप में एडल्ट में रिकमेंड किए जाते हैं। जी डॉक्टर, डॉक्टर एक और चीज हम देखते हैं, जब भी किसी बच्चे को वैक्सीन लगती है तो उन्हें फीवर आ जाता है। तो ये फीवर के पीछे जो एक कॉज है वो क्या है, और क्या ये पॉसिबल है कि फीवर के अलावा भी बहुत सारे और सिम्टम्स हो जाते हैं बच्चों को? अगर हो जाते हैं तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? तो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी फीवर आता है वैक्सीन लगाने के बाद। वैक्सीन में भी स्पेशली जो
लाइव वैक्सीन है, जैसे चिकन पॉक्स हमने बात की, उसके साथ साथ MMR वैक्सीन रहती है, लाइव वैक्सीन। ये लाइव वैक्सीन के बाद भी बुखार आना ये काफी कॉमन है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये बुखार यूजुअली बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसका ही रिस्पॉन्स रहता है। तो ये कोई भी हम इंजेक्शन देते हैं वैक्सीन का, तो उससे एक रिस्पॉन्स बॉडी का आता है और जिसकी वजह से बुखार आता है। और ये बुखार आना कंप्लीटली नॉर्मल है, उसमें डरने के लिए या बुखार आता है इसकी वजह से वैक्सीन ना देना ये बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मली बुखार 11 से ज्यादा 24 से 48 घंटे ये बुखार रहता है, और बहुत से बार अपने आप ही कम हो जाता है। जिनको बहुत तकलीफ होती है बुखार के लिए, उनको एक पैरासिटामोल की इवन अगर हम गोली या थोड़ा सिरप बच्चों को दे दे तो वो पूरी तरह से सेटल हो जाता है। तो ये नॉर्मल बॉडी का रिएक्शन रहता है, और इसमें कुछ भी अबनॉर्मल चीज नहीं है, और उसकी वजह से डेफिनेटली किसी ने भी वैक्सीन ना लेना ये बिल्कुल गलत था। सो डॉक्टर, जैसा आपने अभी मेंशन किया कि बुखार आना बहुत कॉमन है और ये पॉजिटिव भी है, बट अगर किसी बच्चे को वैक्सीन के बाद बुखार नहीं आता है तो क्या इसमें कोई डरने वाली बात है या ये भी नॉर्मल चीज है? नहीं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं कि बच्चे को बुखार क्यों नहीं आया या एडल्ट को भी बुखार नहीं आया, ऐसे कोई यानी या फिर वैक्सीन ने काम नहीं किया ऐसे भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। बुखार आना ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है, और हर किसी को बुखार आएगा ही, ऐसे कुछ नहीं। बहुत से लोगों को बुखार नहीं भी आता और वैक्सीन उतनी अच्छी ही काम कर देती है। तो बुखार नहीं आया तो उसमें कोई डरने वाली या सोचने वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं। जी डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमने जो बच्चों की वैक्सीन है उसके बारे में तो पूरी जानकारी हासिल कर ली। अब बारी आती है एडल्ट्स की। तो डॉक्टर, जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, उनकी वैक्सीन की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में क्या आप बता सकते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन है वो किस एज में किसी भी एडल्ट को लेनी चाहिए? तो हेपेटाइटिस में स्पेशली दो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, दोनों वैक्सीन से आती है। उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ये कोई भी एडल्ट एडल्ट जब हम उम्र 18 के ऊपर या 16 के ऊपर जो भी रहते हैं उनको हम एडल्ट्स कहते हैं, तो कोई भी एडल्ट ये वैक्सीन ले सकता है। ये वैक्सीन जो होती है यूजुअली 3 डोज की वैक्सीन रहती है, और ये 3 डोज, पहले 2 डोज 1 महीने के गैप में और तीसरा डोज 6 महीने के गैप के बाद, ऐसा यूजुअली ये डोज दिया जाता है। तो ये कोई भी एडल्ट ले सकता है उम्र 16 या 18 के ऊपर, उसके पहले भी बच्चों में भी दे दी जाती है, पर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं तो इस उम्र के बाद में ये कोई भी एडल्ट ये वैक्सीन ले सकता है। और हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन आती है, ये भी कोई भी एडल्ट उम्र 16-18 के बाद ले सकता है। इसकी 2 डोज की वैक्सीन रहती है, जिसमें कम से कम 6 महीने का महीने की गैप रिकमेंड की जाती है। तो ये दोनों वैक्सीन डेफिनेटली हेल्पफुल रहती है हिपेटाइटिस जैसे वायरल बीमारी से प्रिवेंट या प्रोटेक्शन देने के लिए, और हर कोई एडल्ट ये वैक्सीन ले सकता है। डॉक्टर, क्या आप हमें वैक्सीन के नाम बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो ए और बी हेपेटाइटिस है उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये 2 अलग-अलग वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस रहता है, हेपेटाइटिस बी वायरस रहता है, और भी हेपेटाइटिस के अलग-अलग वायरसेस रहते हैं, पर आज तक अभी तक हमारे पास पूरी दुनिया में सिर्फ ए और बी की ही वैक्सीन रहती है। तो ये दो वैक्सीन डेफिनेटली सबको लेनी चाहिए, उसमें डेफिनेटली फायदा होता है। और नाम यानी एक्चुअली यही उनके नाम रहे, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यही इनके नाम है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग ब्रांड नेम से ये प्रमोट करती है, तो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये काफी स्टैंडर्डाइज्ड वैक्सीन है, तो उसमें कोई इशू नहीं, कोई भी कंपनी का आप ये वैक्सीन ले सकते हो। डॉक्टर, शुरुआत में आपने मेंशन किया था कि जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो एडल्ट को, मतलब आगे जाकर एडल्ट भी लगवा सकते हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है या फिर आपको जब भी टाइम मिले 16 क्रॉस जब आप करें तो आप लगा सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में ही वो लगवानी है, आगे जाके आप कभी भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। कभी कभार कुछ लोगों को हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, जिनको इस वायरस से बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी अगर एग्जाम्पल देना है तो अगर किसी कोई पेशेंट को या किसी इंसान को अगर कोई मेजर सर्जरी या फिर कोई मेजर प्रोसीजर हम करने वाले, तो कभी कभार ये वैक्सीन रिकमेंड की जाती है। पर
ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट या ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं कि इसके दौरान ही आपको वैक्सीन लेनी है। आप ये वैक्सीन कौन से भी एज ग्रुप में ले सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या उसमें कुछ प्रिवेंट कोई कठिनाई नहीं होती इसमें। सो डॉक्टर, अभी हमने बेबीज और एडल्ट्स दोनों की बात कर ली, उनके वैक्सीन की बात कर ली और उनके जो अलग अलग डिजीज हैं जो उनको हो सकते हैं उसकी भी बात कर ली। लेकिन ये जो वेदर है, ये रेनी सीजन वाला, ये ऐसा वेदर है जो बेबीज और एडल्ट्स दोनों को बहुत ज्यादा हिट करता है। सो ऐसे में जो डेंगी है उसको, डेंगी होना बहुत ज्यादा कॉमन है और कई जगहों पर आप इसके बहुत सारे केसेस भी देख सकते हैं। सो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या डेंगी के लिए भी कोई वैक्सीन है जो एडल्ट और बच्चों में लगाई जा सकती है? तो पूरी दुनिया कोशिश में जुटी हुई है डेंगू के लिए वैक्सीन निकालने के लिए। एक दो तीन वैक्सीन है काफी क्लोज जो शायद मार्केट में लॉन्च हो सकती है, पर आज के दिन में डेंगू कोई कमर्शियल वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है। पर उम्मीद है डेफिनेटली कि नियर फ्यूचर में हमें वैक्सीन मिलेगी डेंगू के लिए, और अगर वो अच्छी वैक्सीन है तो डेफिनेटली बहुत ही फायदेमंद ये वैक्सीन होगी, क्योंकि जैसे आपने कहा डेंगू काफी कॉमन है, पूरी कंट्री में कॉमन है, और उसके लिए प्रिवेंटिव या उसके ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक एक दवाई नहीं है। तो डेफिनेटली डेंगू वैक्सीन ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे जाके, और जब भी आती है डेफिनेटली मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके डेंगू वैक्सीन डेफिनेटली ले ले। प्रिवेंशन के लिए, डेंगू के लिए अभी के लिए तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मच्छर से प्रिवेंट होना यही हम चीजें कर सकते हैं, और उसके लिए मॉस्किटो नेट्स यूज करना, मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल या फिर लिक्विड्स यूज करना, और जितना हो सके उतना पानी जमा होने से प्रिवेंट करना, ये चीजें हम कर सकते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए। बाकी तो ज्यादा कुछ अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए। डॉक्टर, डेंगू के बाद अब मुझे लगता है फ्लू के बारे में भी बात होनी चाहिए। फ्लू के बारे में बहुत सारे नोशंस हैं दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये फ्लू की वैक्सीन है क्या वो हर साल लगानी चाहिए? जब फ्लू हम बात करते हैं तो फ्लू में स्पेशली इन्फ्लुएंजा ये प्रीडोमिनेंट या सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन रहती है। फ्लू ये टर्म और भी कई सारे वायरसेस के लिए यूज की जाती है, पर उसमें से इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर साल दो बार उसका अलग अलग किस्म की वैक्सीन रिकमेंड करती है, और अलग अलग कंपनीज हर साल में दो बार ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं। हर वैक्सीन में थोड़ा बहुत फर्क रहता है डिपेंडिंग अपॉन उस साल में जो प्रिवेलेंट बैक्टीरिया, जो प्रिवेलेंट वायरस रहने वाली है उसके हिसाब से। तो हर साल ये वैक्सीन थोड़ी सी अलग रहती है पिछले साल के वैक्सीन के मुकाबले। तो इसलिए हर साल जब भी आप मानसून होता है तो मानसून के पहले ये वैक्सीन सबको लेनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर मानसून तकरीबन जून से लेके सितंबर तक मानसून रहने वाला है तो सबसे बेहतरीन टाइम रहता है मई एंड में ये वैक्सीन लेना। अगर मानसून सबके यहाँ पर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक रहता है तो बेस्ट टाइमिंग रहती है सितंबर के आसपास ये वैक्सीन लेना। पर ऐसा नहीं है कि अगर जून, अगर मई में या फिर सितंबर में वैक्सीन मिस हो जाती है तो आप कभी ले नहीं सकते। साल में कभी भी यार एक डोज लेना, ये डेफिनेटली पूरे साल के लिए प्रोटेक्टिव रहता है। तो डेफिनेटली फ्लू वैक्सीन ये सबको लेनी चाहिए, और उसके बहुत ज्यादा फायदे है फ्लू प्रिवेंट करने में। तो डॉक्टर, क्या बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए कुछ अलग अलग गाइडलाइंस है या फिर सिमिलर ही है? सिमिलर ही गाइडलाइंस है। फ्लू वैक्सीन जो रहती है ये दोनों बच्चों और एडल्ट्स में सिमिलर वैक्सीन रहती है। सिर्फ बच्चों के लिए फ्लू की जो वैक्सीन है वो बहुत सी बार उनके जो पीडियाट्रिक प्रोग्राम में रहते हैं उसमें वो इंक्लूडेड रहते हैं। सो ज्यादा करके ये जो रिकमेंडेशन है ज्यादा एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेशन है, पर ये वैक्सीन जो रहती है दोनों के लिए सेम ही रहती है। ओके डॉक्टर, अभी जो मेरे पास कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है बहुत कॉमन है और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स लोगों के बीच है। एक मिथ ये है कि आप सेम टाइम पर मल्टीपल वैक्सीन नहीं ले सकते, तो क्या ये ठीक है या फिर आप ले सकते हैं मल्टीपल वैक्सीन? नहीं, आप एक टाइम पे मल्टीपल वैक्सीन डेफिनेटली ले सकते हैं। इनफैक्ट एक के बाद एक वैक्सीन अलग अलग दिन लेना ये हम रिकमेंड नहीं करते। अगर लेनी है वैक्सीन तो एक दिन में भी, एक दिन में आप दो चार छह वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। So definitely उसमें कोई दिक्कत नहीं है, definitely आप लगवा सकते हैं।
और डॉक्टर, अगर आप सिक हैं, आपको फ्लू है या फिर आपको फीवर है, तो क्या तब भी वैक्सीन लेना ठीक होगा? राइट सो एक साथ में दो से ज्यादा वैक्सीन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है. एक दिन पे डेफिनेटली आप ज्यादा वैक्सीन ले सकते हैं. डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक के बाद एक वैक्सीन लेना अलग अलग दिन पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यानी कि एक ही दिन में आप मल्टीपल वैक्सीन ले सकते हैं बट स्किप करके नहीं ले सकते, करेक्ट? यानी अलग अलग दिन पे एक के बाद एक मत लीजिए. ओके, हाँ, गॉट इट. डॉक्टर, हम जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल का आंसर जानना चाहेंगे कि अगर वैक्सीन के बाद कोई रिएक्शन हो जाता है, किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको कैसे ठीक करना चाहिए? तो वैक्सीन के बाद अगर कोई रिएक्शन होता है तो मैं डेफिनेटली सबसे बोलूंगा कि ये रिएक्शन डॉक्टर से कंफर्म कर ले. खुद से रिएक्ट होके खुद से डिसाइड मत कीजिए कि आपको रिएक्शन हो रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत हल्की सी रैश आना, थोड़ी सी खुजली होना, इसको इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये काफी लोगों को हो सकता है और उसकी वजह से वो वैक्सीन बाद में नहीं लेना या उस वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लेना, ये डेफिनेटली गलत है. उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है एज कम्पेयर टू बेनिफिट रहना. तो हल्की सी कोई रैश आती है, हल्की सी कोई खुजली होती है, थोड़ा सा बुखार आता है, तो ये सब नॉर्मल चीज है. उसमें रिएक्शन आ गई वैक्सीन के, ऐसा कहना बहुत गलत है. पर कुछ कुछ लोगों को बहुत शरीर पे सूजन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है वैक्सीन के बाद, तो उसमें हम सीवियर रिएक्शन बोलते हैं. उस सिचुएशन में वैक्सीन यूजुअली बाद में रिकमेंड नहीं की जाती. तो ये वैक्सीन की रिएक्शन अगर आ रही है तो ये डिसीजन आप प्लीज आपके डॉक्टर के पास छोड़िए, उनके साथ जाके डिस्कस कीजिए, और अगर वो कहते हैं कि रिएक्शन है तो ही उसको रिएक्शन करके आप कंसिडर कीजिए. यानी कि बॉडी पे जो भी रिएक्शन हो वैक्सीन के बाद, आपको डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से दिखा लेना है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है, करेक्ट? डॉक्टर पृथु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी इजी लैंग्वेज में सारी जानकारी हमारी ऑडियंस को दे दी. मुझे लगता है कि वैक्सीन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल किसी के मन में था या फिर कोई मिथ था, वो अभी यहाँ पर दूर हो गया होगा. सो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू नवभारत टाइम्स. थैंक यू वेरी मच.